नमस्कार, क्या प्रेगनेंसी में गुड़ खाना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान गर्भवती अपना पूरा ख्याल रखती हैं ताकि आने वाले नन्हे मेहमान को कोई स्वास्थ्य तकलीफ ना हो। इस दौरान खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। फल सब्जियों में अलग कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी माना जाता है, जिसमें एक गुड़ भी आता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गुड़ का सेवन करना चाहिए कि नहीं, एक बड़ा सवाल हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि गुड़ गर्भावस्था में कितना सुरक्षित है। क्या गर्भावस्था में गुड़ खाना चाहिए? हाँ, गर्भावस्था में गुड़ खाया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान खाने के कई फायदे हो सकते हैं। दरअसल इस दौरान गर्भवती महिला और घर में पल रहे बच्चे को आयरन की आवश्यकता होती है और गर्भावस्था के दौरान आयरन की पूर्ति के लिए गुड़ का सेवन किया जा सकता है। हालांकि इसकी सीमित मात्रा का सेवन करना चाहिए, वरना इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में गुड़ की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी में गुड़ खाने की मात्रा पर ध्यान देना भी जरूरी है ताकि यह गर्भवती और बच्चे के लिए लाभदायक साबित हो। हालांकि स्तनपान के दौरान प्रतिदिन करीब 50-60 ग्राम गुड़ खाया जा सकता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान कितना गुड़ खाना चाहिए इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए गर्भावस्था में मौसम के अनुसार इसकी उचित मात्रा का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य कर लें। आइए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में गुड़ कब खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में शुरू से 6 माह तक माँ को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। इस समय एनीमिया होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए आयरन की आवश्यकता को देखते हुए गर्भवती महिलाएं गुड़ का सेवन शुरू कर सकती हैं। हालांकि ओरल रूप में आयरन का सेवन पहली तिमाही में करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मतली और उल्टी का कारण भी बन सकता है। इसलिए गर्भावस्था में इसके प्रयोग को लेकर सही समय की जानकारी के लिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। चरक आयुर्वेदा के इस वीडियो में जानिए प्रेगनेंसी में गुड़ खाने से क्या क्या फायदे हैं। फायदा नंबर एक, शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान गुड़ का सेवन आपके शिशु के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल गुड़ में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट पूर्ति गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। फायदा नंबर दो, ऊर्जा की पूर्ति के लिए गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान माँ को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऊर्जा की पर्याप्त पूर्ति के लिए भी गर्भावस्था के दौरान गुड़ का सेवन किया जा सकता है। फायदा नंबर तीन, आयरन की कमी होती है दूर। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी के लिए गुड़ का सेवन किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान गुड़ का सेवन एनीमिया होने के खतरे को दूर रखने में मदद कर सकता है। फायदा नंबर चार, टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति में गर्भावस्था के दौरान टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित महिला के लिए गुड़ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट लाभदायक हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में गुड़ खाने के क्या क्या नुकसान हैं। प्रेगनेंसी में गुड़ के सेवन से जुड़ी कुछ खास बातों का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो प्रेगनेंसी में गुड़ खाने के नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान एक, गुड़ में सोडियम की मात्रा पाई जाती है, इससे जिसके अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप होने का खतरा बढ़ सकता है। नुकसान नंबर दो, प्रेगनेंसी में गुड़ खाने से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और बढ़े हुए वजन के कारण टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम भी बढ़ सकता है। नुकसान तीन, प्रेगनेंसी में गुड़ का अधिक सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, जिससे वजन बढ़ सकता है। नुकसान चार, ध्यान देने की बात यह भी है कि गुड़ को किसी भी रूप में गर्म करके खाने से बचें, नहीं तो इससे गर्भपात का खतरा भी हो सकता है। नुकसान पाँच, अगर आप पहले गर्भपात यानी मिसकैरेज की स्थिति से गुजर चुकी हैं तो आपको वर्तमान गर्भावस्था में गुड़ के सेवन से बचना चाहिए। नुकसान छः, गर्भावस्था के शुरुआती समय में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था के शुरुआती समय यानी पहली तिमाही में गुड़ के जरिए आयरन की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन यह मतली और उल्टी का कारण भी बन सकता है, इसलिए आप दूसरी में आयरन की पूर्ति के लिए गुड़ का सेवन कर सकती हैं। आइए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में गुड़ खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टिप्स 1, गुड़ खाने से पहले यह देख लें
कि उसमें धूल मिट्टी के कण न लगे हों, क्योंकि गुड़ तैयार करते समय अक्सर गंदगी गुड़ में लगी रह जाती है। टिप्स टू, गुड़ खाने से पहले देख लें कहीं वह चिपचिपा तो नहीं है। टिप्स नंबर थ्री, अगर आपने बाजार से किसी ऐसे गुड़ की खरीदारी कर ली है जिस पर मक्खियाँ बैठी हुई थी, तो इसका सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए खुले में बिकने वाले गुड़ की जगह आप पैकेट गुड़ खरीद सकती हैं। आइए जान लेते हैं गर्भावस्था के दौरान आहार में गुड़ कैसे शामिल कर सकते हैं। टिप्स वन, गुड़ को आप सीधे खा सकती हैं। टिप्स टू, गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें कई प्रकार के पकवान बनाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। गुड़ नंबर टिप्स थ्री, गुड़ से बनी खीर का भी सेवन किया जा सकता है। टिप्स फोर, चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़ खाने के आपके और भी तरीके हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।